लेकिन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। इनके किसान विरोधी चरित्र के कारण ही कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को रायपुर के जीई रोड स्थित होटल बेबिलोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को एक ऐप बनाकर भाजपा ने लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम भूपे दिया गया है, जिसमें विभिन्न घोटालों का जिक्र किया गया है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को जमकर घेरा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, दीपक विशपूते सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने भाजपा द्वारा जारी किए भूपे ऐप पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेताओं को निशाने पर लिया। जन आज छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का ब्यौरा देने जनता को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान प्रारंभ किया है और एक वेबसाइट भूपे करो .com लॉन्च कर रही है। ये वेबसाइट देश में चलने वाले प्रसिद्ध UPI ऐप्स फोन पे, पेटीएम की तर्ज पर QR कोड को मोबाइल से स्कैन करने पर खुलेगी। ये वेबसाइट में छत्तीसगढ़ सरकार के भ्रष्टाचार जो 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं भूपे ऐप को लॉन्च करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह जी का मैं छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये सरकार अब युवकों को महादेव के नाम से जुआ और सट्टा में लिप्त करके छत्तीसगढ़ के वातावरण को बिगाड़ने में लगी हुई है। ये सरकार को बदलने का वक्त आ गया है और यही नारे पूरे छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव में लग रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश और कांग्रेस के लोग पहले नारे लगाते थे, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा भुरवा बारी, और वही कांग्रेस के नारे नरवा गरवा भुरवा बारी बदल गया है। चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार और लवारी, ये कांग्रेस के 4 नारे हो गए हैं। सम्मानित मंच उपस्थित सभी मीडिया के मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का एक राज्य का रूप देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जहाँ जिन लोगों की पहचान मध्य प्रदेश के समय क्षेत्र के साथ एक तरह से भेदभाव होता था, तो छत्तीसगढ़ को हम अग्रणी राज्य बनाए। और आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब मध्य प्रदेश में बनी, उससे पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में जाना था। तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ के सामने क्या चुनौतियां रही होंगी। लेकिन जब यहां पर कमल खिला, तब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने वो विकास किया कि एक के बाद नए आयाम स्थापित किए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता बृजमोहन जी, राजेश जी से लेकर अन्य उस समय के मंत्री भी यहां पर बैठे, जिनका बहुत बड़ा सबका योगदान। लेकिन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिया, छत्तीसगढ़ को बेहाल कर दिया। और ये तो होना ही था, जब किसी ने गंगा जल की कसम खाकर कहा हो कि शराब मुक्त कर देंगे, शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे और घर घर शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी हो, तो समझ सकते हैं क्या हुआ। एक तरफ मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा किया था कि विदेशी धरती से 23,000 भारतीय छात्र छात्राओं को बम धमाकों के बीच में से सुरक्षित निकाल कर लाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए ऑपरेशन गंगा चलाकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाकर लाए, क्योंकि युवा साथियों के बीच में पिछला कार्यक्रम करके आया, रोजगार तो दिया नहीं बेरोजगार बनाया, फिर बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था तो 30 महीने होने जा रहे हैं, वो वायदा भी पूरा नहीं किया। 39,000 के लगभग बच्चों की मौत हो गई जनजातीय क्षेत्र में, एक बच्चे की मृत्यु भी हो जाए तो दर्द होता है, यहाँ 39,000 बच्चों की मृत्यु हो गई।
भूपे करो और मस्त रखो। हजारों कर्मियों को, चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे हमारे विद्या मितान हो, चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी, सबको सड़कों पे आने रुलाएगा। मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ यूनिट को, जिन्होंने आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रदेश और देश की जनता को जागरूक करने का एक नया कदम उठाया है और नाम भी बड़ा शानदार दिया है, भूपे। क्या नाम दिया है भाई? आवाज आई नहीं, क्या नाम दिया है? भूपे। छत्तीसगढ़ वालों को तो आदत पड़ गई है। मेरा सवाल यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि 36 प्रमुख वायदे, जनता आपसे उसके सवाल पूछती है, आप उस पर क्या करने वाले हैं? क्योंकि वायदे तो आपने पूरे किए नहीं 30 महीने हो गए, लेकिन बदले में माफिया राज छत्तीसगढ़ में जाना चाहता है। लैंड माफिया, सैंड माफिया, कौन सा माफिया? लैंड माफिया, सैंड माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, कोल माफिया, माफिया पे माफिया, ये माफियों का राज, इसे छत्तीसगढ़ माफी चाहता है। और आज जब मैं एक युवाओं के कार्यक्रम में था, मैंने उनमें जो आक्रोश देखा है, युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। ऐसा लगता था युवा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब समय आएगा, उनको मतदान करने का अवसर मिलेगा, और जो 2500 रुपया प्रति महीना उनको बेरोजगारी भत्ता मिलने था, नहीं दिया, वो ब्याज समेत उसकी वसूली करने वाले। अब तक तो वसूली अपने अधिकारियों के थ्रू, कांग्रेस के नेताओं के थ्रू कर रहे थे, अब चुनाव के समय वसूली देश प्रदेश का युवा करेगा, प्रदेश की महिलाएं करेंगी, प्रदेश का किसान करेगा। किसानों के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अगर MSP का दाम कोई तय करता है तो केंद्र की सरकार करती है, खरीद करने में भी लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने खर्च किया, रिकॉर्ड खरीदारी की, MSP के दाम भी 70% 80% तक बढ़ाए, लेकिन यहां पर तो जो राज्य का हिस्सा देने का था उसमें भी मुकरती हुई राज्य की सरकार नजर आती है। मेरा निवेदन आप सबसे है, इन सब सवालों के जवाब हमें उनसे लेने ही हैं, और मेरा सारे युवा साथियों से यहां पर एक निवेदन रहेगा, ये जो भूपे का लिंक है ना, मैं तो सबसे पहला काम यहां से बाहर निकलने के बाद अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है, कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार से भरी हुई है, ये जो कमाया जाता है उसके चलते गुलाब की पंखुड़ियां बजाई जाती है उस भ्रष्टाचार के पैसे से किसी के आगमन पर, और ये भ्रष्टाचार के पैसे से गुलाब की पंखुड़ियां किसके लिए बिछाई गई थी? शायद जो पैसा सरकारी खजाने में आता तो गरीब कल्याण के लिए लगता, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए लगता, किसानों के बोनस के बकाए पैसे के भुगतान के लिए लगता है। क्या सहयोग चाहिए था केंद्र से? क्या चाहिए था केंद्र से? कांग्रेस के समय 45 से 50 हजार रुपया घर बनाने का मिलता था, 1,50,000 रुपया मोदी सरकार में मिलता है। देश में 4 करोड़ पक्के मकान, जो आजादी के बाद 70 साल तक मात्र 1.5 करोड़ मकान बने थे, 9 सालों में मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के मकान के लिए करके चले जाते हैं। तमाम केंद्रीय नेता आते हैं, झूठ बोल करके चले जाते हैं और छत्तीसगढ़ को बदनाम करते हैं। मेरी खुली चुनौती देता हूं श्रीमान खड़गे जी को, अगर दम है तो किसी मंच पर सामने आ जाएं। आंकड़े बोलते हैं कि अगर पिछले 9 वर्षों में 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर किसी ने निकाला,
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निकाली। अगर 4 करोड़ पक्के मकान देश में बनाकर दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। 80 करोड़ गरीबों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज दिया। यही नहीं, हर घर को बिजली, हर किसी को वैक्सीन, ये मोदी सरकार ने किया। मात्र 7 एम्स से 22 एम्स कर दिए। 7 IIT और 7 IIM से 16 और 14 कर दिए। 600 मेडिकल कॉलेज से 2014 तक 700 नए खोल दिए। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर नहीं बना दी। आधा किलोमीटर रेलवे मेट्रो बनती थी, हम 1.5-2 किलोमीटर प्रतिदिन बनाते हैं। आप एक के बाद किसी दूसरे आंकड़े पर आ जाइए, 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, हमने 75 नए बना दिए 9 साल में। अरे श्रीमान खड़के जी, अगर हिम्मत है तो कोई मंच और समय आप तय करो, अनुराग ठाकुर आपके साथ आकर खड़ा होगा और जवाब देगा। कांग्रेस के ये कहना है कि 15 साल में चर्च खोले गए हैं, धर्मांतरण 15 साल में बढ़े, तो इस पर बीजेपी की स्टैंड क्या रहेगा अनुराग सिंह? देखिए, मुझे लगता है जो संविधान हमारा कहता है हमें उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए, और जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो ऐसे कारनामों में शामिल है उनके खिलाफ ये भ्रष्ट भूपेंद्र बघेल जी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गवर्नमेंट इज इन कॉन्टिन्यूटी, सरकार तो चलती है, एक पार्टी आई या दूसरी आई। इंदिरा आवास योजना के जितने मकान भी थे पुराने, पश्चिम बंगाल में हमने वो तक पूरे किए थे। ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो 9 साल में मोदी जी पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे। अगर आप 40-40 साल पुरानी योजनाएं देखोगे जो कांग्रेस ने शुरू की थी कभी, और जो 50 साल में पूरी नहीं कर पाए, हमने उनको भी पूरा किया। और यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार ने अन्याय किया है कि जो किसानों का हक है वो नहीं दिया है। अगर कोई गलती भी करता है या जानबूझकर भी करता है, भारत के खिलाड़ियों ने फिर भी अपना दमखम दिखाया और अब तक 83 मेडल जीते हैं, जो आज तक के सबसे ज्यादा एशियन गेम्स में जीते हैं। तो ये बढ़ते भारत की ताकत है। पिछली बार हमारे 70 मेडल थे, इस बार 83 मेडल हो चुके हैं, 83, जिसमें से 20 गोल्ड, 31 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि इनके किसान विरोधी चरित्र के कारण ही कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चालू किया, जिसमें किसानों को 9,000 रुपए, धान किसानों को और अन्य फसल उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी दी जाती है। एक कमिटमेंट है कांग्रेस सरकार का, इनके सहयोग के बावजूद भी हमारी सरकार इस साल किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेगी। दूसरी बात, उन्होंने झूठ बोला आवास योजना के संबंध में। मित्रों, माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष कांग्रेस की सरकार ने एक योजना चालू किया, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इस आवास योजना को चालू करने की जरूरत क्यों पड़ी? जब से यह आवास योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का छुट नहीं जाता था, घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बार बार झूठ बोलते हैं। 7 लाख छत्तीसगढ़ के गरीबों के आवास को केंद्र सरकार ने प्रतीक्षा सूची में डाल दिया। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, 2-3 बार पत्र लिखा, सारे पत्र पब्लिक डोमेन में आप सबके पास में है, कि हमारे 7 लाख आवास जो आपने रद्द किए हैं उसको फिर से स्वीकृति दी जाए, हम राजा उसको पैसा देने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान में जू नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद हैं, किसी ने भी छत्तीसगढ़ की जनता के हक में प्रधानमंत्री आवास की इन 7 लाख आवासों को स्वीकृति देने के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। तब गरीबों के बचिया, गरीबों के बारे में सोचने वाली कांग्रेस की सरकार ने 7 लाख आवासहीनों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चालू की। साथियों, एक और संगीन आरोप बेहद बेशर्मी पूर्वक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारी सरकार पर लगाया, महादेव ऐप के संबंध। इसी मंच पे हम सब ने खुलासा किया था
कि किस प्रकार से महादेव व्रत को योगी और मोदी सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। ऑनलाइन सत्ता का जो माध्यम है महादेव ऐप, वह महादेव ऐप केंद्र की मोदी सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के संरक्षण में चलता है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। इस आरोप के प्रमाण में हमको तथ्य भी प्रस्तुत कर रहे हैं। महादेव ऐप का जो सर्वना है दुबई में, उसको पकड़ने की जवाबदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? कोई भी ऑनलाइन ऐप को बंद करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार क्यों महादेव ऐप को बंद नहीं करती है? यही नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव ऐप पूरे देश में चल रहा है। सबसे ज्यादा कार्रवाई महादेव ऐप के खिलाफ किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किया। 400 से अधिक कार्रवाइयां हमारे द्वारा की गई, 100 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। यही नहीं, नोएडा जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, एनसीआर का इलाका, वहां पर हमारी पुलिस महादेव ऐप के 9 आरोपियों को पकड़ने गई। हमारी पुलिस ने उन आरोपियों को लगभग पकड़ ही लिया था। तो योगी सरकार की पुलिस आती है, बाबा की पुलिस आती है और बोलती है इनको हमने पहले गिरफ्तार किया हुआ, और उनको छोटे छोटे धाराओं में गिरफ्तार करके थाने ले गए ताकि छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको पकड़ न पाए। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जब इसका प्रतिरोध किया तो छत्तीसगढ़ की पुलिस के ऊपर में अपहरण का मुकदमा योगी सरकार ने दर्ज किया। साथियों, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, इस प्रदेश में 15 साल में 1,00,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था डॉक्टर चमन सिंह एंड कंपनी ने। इतना भ्रष्टाचार किया था कि देश के बैंकों में रखने के लिए जगह नहीं थी। वर्जिन आइलैंड में रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह ने खाता खुलवाया था। पनामा पेपर का नाम आया था अभिषेक सिंह का। मजाक क्या है कि नरेंद्र मोदी उनकी सरकार अभिषेक सिंह के खिलाफ पनामा पेपर में जांच करे? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अडानी का भ्रष्टाचार आएगा तो आप चुप हो जाएंगे, मोदी वाले बन जाएंगे। बेफजूल की बातें करके, बिना तर्क की बातें करके, तथ्यहीन बातें करके हमारी सरकार को बदनाम करते हैं। बताइए कि पनामा पेपर में नाम आने के बाद में पूरे देश में जांच की गई, रमन सिंह के पते पे, रमन सिंह के बेटे के नाम पे जो वर्जिन आइलैंड में खाता खोला, उसकी जांच नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं करवाया? 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ था, 62 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को, नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि इसकी जांच ईडी से करवाई जाए। क्यों नहीं करवाए ईडी से जांच? देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस